अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास ऑफ साइंस। टुडे आई गिव लेक्चर ऑन यूनिट नंबर 3, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। काइंडली ओपन पेज नंबर 19 in which we discussed transport system. The heart is a muscular pump. अब transport system इन्हें क्यों कहा गया है? Transport system में हम क्या-क्या पढ़ेंगे? Transport means moving from here and there. तो क्या चीज़ move करती है plant और animal की body में? Energy move कर रही होती है, blood move कर रहा होता है, किस तरह food transport होता है? हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ह्यूमन बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में ब्लड मूव कर रहा होता है हेयर एंड देयर, फूड एनर्जी मूव कर रही होती है। तो हम यहाँ पे एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर आगे फर्दर इन चैप्टर प्लांट्स का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी पढ़ेंगे। Now open page number 20. The circulatory system. Circulatory system क्या होता है? The heart is a muscular pump. It pushes blood around the body through tubes called blood vessels. Heart एक muscular pump है, ये blood को पूरी body में push करता है blood vessels के जरिए। आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स, आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को लेकर हार्ट से जा रही होती हैं। अब ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा है तो उसका भी एक सिस्टम होगा ना कि किसके थ्रू जा रहा है। ब्लड वेंट थ्रू आर्टरीज, ठीक है, आर्टरीज जो है वो ब्लड को लेकर जा रही हैं। दे हैव थिक मस्कुलर वॉल टू विदस्टैंड द हाई प्रेशर ऑफ द ब्लड। इनकी मस्कुलर वॉल होती है, थिक होती है, ताकि वो हाई प्रेशर ब्लड का बर्दाश्त कर सकें, बेयर कर सकें। दे यूजली लाई डीपली इम्बेडेड इन साइड द बॉडी, बॉडी के अंदर होती हैं डीपली। आर्टरीज डिवाइड हो जाती हैं छोटी छोटी थिन वॉल वेसल में, दे आर कॉल्ड कैपिलरीज। और कैपिलरीज जो है वो बॉडी के टिश्यू में पेनिट्रेट हो जाती हैं, तो फिर इजली हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई हो जाता है। द ट्रांसफर ऑफ फूड गैसेज एंड एस्क्रीटरी मटीरियल बिटवीन द ब्लड एंड सेल टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन थ्रू थिन कैपिलरी वॉल्स। कैपिलरीज ज्वाइन अप टू फॉर्म वेन विच रिटर्न द ब्लड टू द हार्ट। वेन्स आर वाइडर दैट आर्टरीज हैव थिनर वॉल, दे हैव वॉल्स टू मेक श्योर दैट द ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। द ब्लड प्रेशर इन द वेन इज यूजुअली लो। डिटेल में बताया गया है, मैं आपको इस पिक्चर के थ्रू बताऊंगी। ये हार्ट है, इसमें दो तरह की खून की नालियां होती हैं, ब्लड वेसल्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ब्लड वेसल्स, खून की नालियां दो तरह की होती हैं। एक यहाँ से खून लेकर जा रही हैं जिन्हें कहेंगे आर्टरीज, और एक खून वापस लेकर आ रही हैं। वापस क्यों ला रही हैं? ये वाली पिक्चर देखिए, यहाँ से ब्लड लेकर पूरी बॉडी में रेड वाली जा रही है, ये आर्टरीज कहलाती हैं, ठीक है। और ये फर्दर किस में डिवाइड हो रही है? स्मॉल ब्रांचेस में, जो कहलाता है कैपिलरीज। आर्टरीज जो होती हैं वो मोटी होती हैं, उनमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, प्रेशर के साथ निकलता है खून दिल से। अब हमारी ये फिंगर टिप है, यहाँ तक भी ब्लड आता है। आपको पता है कोई भी चीज़ आपको चुभ जाए फौरन ब्लड बाहर आ जाएगा, तो उसमें आपकी आर्टरीज तो यहाँ तक नहीं आ सकती ना, इतनी चौड़ी चौड़ी सी। तो ये किस में? ब्रांच में चेंज होती है, ब्रांच में डिवाइड हो जाती है आगे जाके, जो कहलाता है कैपिलरीज।
तो हमारे पास क्या होती है, बारीक बारीक खून की नालियों कहलाती हैं कैपिलरीज। अच्छा, अब ये ऑक्सीजन आ रही है हार्ट के पास कहाँ से आ रही है, हमारा लंग्स दे रहे हैं। लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है लंग्स रिस्पायरेशन होती है, लंग्स आपके हार्ट को क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। अब ऑक्सीजन इसमें आ गई, फ्रेश हो गया ब्लड हमारा, वो पूरी बॉडी में जा रहा है। मगर जब वो पूरी बॉडी में जा रहा है तो ऑक्सीजन जो है वो पूरी बॉडी में से एब्जॉर्ब हो रही है, जाके बॉडी पार्ट्स ऑक्सीजन ले रहे हैं ब्लड में से, तो वो फिर डीऑक्सीजनेटेड हो गया और अब उसमें ऑक्सीजन नहीं बची, तो वो वापस कैरी बैक कर रहा है हार्ट में, खून लेकर आ रहा है। जिस जगह वो खून लेकर आ रहा होता है वो वेंट्रिकल्स कहलाते हैं, और जिस जगह जो है वो लेकर जा रहे होते हैं जहाँ से, वो आर्टरीज कहलाता है। अंडरस्टैंड नाउ, द हार्ट, योर हार्ट इज द साइज ऑफ योर क्लिंच फिस्ट। आपका हार्ट जो है वो आपके क्लिंच फिस्ट मींस आपकी मुट्ठी के बराबर होता है। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ मसल्स कॉल कार्डियक मसल। ये स्पेशल मसल से बनता है जो कि कार्डियक मसल कहलाते हैं। इट फंक्शन इज टू पम्प ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। इसका फंक्शन है ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी में, और जिस वॉल से, जिस हिस्से से, जिस गोश्त से मिलके बना होता है वो क्या कहलाता है, कार्डियक मसल। द हार्ट हैज फोर कंपार्टमेंट कॉल चैम्बर। ह्यूमन हार्ट के चार चैम्बर, चार कंपार्टमेंट होते हैं। द नेम है, ऊपर के दो चैम्बर एट्रिया कहलाते हैं, नीचे के दो चैम्बर वेंट्रिकल कहलाते हैं। अब हाउ द हार्ट पंप्स ब्लड, किस तरह ब्लड पंप करता है, वर्किंग कैसे करता है, हार्ट की वर्किंग क्या है, लेट्स सी हियर। द हार्ट पंप्स ब्लड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर रिलैक्स होता है हार्ट। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हुआ, ये पंपिंग है। पंपिंग तो आप सबको पता होगी किस तरह होती है ब्लड की, जब हार्ट रिलैक्स होता है, मींस जब इस तरीके से हार्ट होता है, बोथ साइड्स फिल अप विद ब्लड फ्रॉम द वेन। दोनों तरफ जो है वो ब्लड जो है वेन से भर जाता है। देन द आर्ट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसके बाद एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि ऊपर वाले जो दो पोर्शन हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और जो है ब्लड को पुश करते हैं, फोर्स करते हैं, दे फोर्स द ब्लड टू द आर्टरीज, आर्टरीज में पुश करते हैं। अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड लेटर द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, फिर थोड़ी देर बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जो आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच जो वॉल्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं और ब्लड जो है आर्टरीज में पुश हो जाता है। द हार्ट रिलैक्सेस अगेन एंड फिल अप विद ब्लड। उसके बाद फिर हार्ट जो है वो दोबारा रिलैक्स होता है और फिर दोबारा ब्लड से फिल हो जाता है। वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड अ हार्ट बीट। द हार्ट नॉर्मली बीट्स अबाउट 70 टाइम्स अ मिनट व्हेन यू आर रेस्टिंग, बट इट इंक्रीज टू वेल ओवर 100 टाइम्स अ मिनट ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी और एक्साइटमेंट। आप एक कॉन्ट्रैक्शन होना और एक रिलैक्सेशन होना, इस पूरे प्रोसेस को एक हार्ट बीट कहते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ और फिर रिलैक्स हुआ हार्ट, तो ये आपका एक हार्ट बीट है। हार्ट जो है वो नॉर्मली 70 टाइम्स बीट होता है एक हेल्दी पर्सन का, बट जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी कोई सी भी कर रहे हैं जिससे आपका हार्ट रेट बढ़ता है, तो फिर ये 100 टाइम्स तक जा सकता है। या फिर कोई खुशी की बात है, एक्साइटमेंट हो रही है आपको, तो ये आपके 100 तक चला जाता है। नाउ हार्ट डिजीजेस, हार्ट डिजीजेस क्या होती हैं, क्या बीमारियां होती हैं हार्ट में। द हार्ट नीड फूड एंड ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू कीप वर्किंग प्रॉपरली। हार्ट को जरूरत होती है फूड और ऑक्सीजन की कि वो अपना वर्क प्रॉपर करे।
The arteries which supply blood carrying food and oxygen to the heart are called coronary arteries. जो ब्लड सप्लाई कर रही है आर्टरीज, जो फूड और ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है हार्ट को, वो कहलाती है कोरोनरी आर्टरीज. इफ दीज आर्टरीज बिकम ब्लॉक द रिजल्ट इज हार्ट डिजीज. जो खून की नाली ब्लड को फूड और ऑक्सीजन दे रही है, अगर वो ब्लॉक हो जाए, उसमें रास्ते में कोई रुकावट आ जाए, तो हार्ट डिजीज होती है. अब रुकावट कैसे आती है? आप कोई अनहेल्दी फूड खाते हैं, आप चिकने खाने खाते हैं, तो वो जब आपकी प्लेट में जम जाते हैं, आपका ऑयल आपकी प्लेट में ही जमने लगता है, तो क्या वो जाके ब्लड में नहीं जमेगा? तो वो ब्लड में जम जाता है, खून की नालियों में जम जाता है, जिससे खून की नालियों का रास्ता तंग हो जाता है, छोटा हो जाता है. और जब वो उसमें से तेज़ी से प्रेशर से निकलती हैं, आपने कभी देखा होगा कि किसी पाइप में पानी आप बहुत तेज़ प्रेशर से डालें तो वो पाइप अपनी जगह से हट जाता है, नल से निकल के गिर जाता है. इसी तरीके से हार्ट पे बहुत बुरा असर पड़ता है अगर ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाए. और ब्लड प्रेशर तेज़ कैसे होता है? जब खून की नालियाँ छोटी हो जाती हैं. तो छोटी क्यों होती हैं? आप ज़्यादा नमक खाने से, ज़्यादा चिकनाई खाने से. ये हम पेज नंबर 21 में डिस्कस करते हैं. कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जो है वो क्या है? अब फैटी सब्सटेंस है जो स्टिक हो जाता है वॉल से आर्टरी के और इसको छोटा कर देता है. ये मैंने आपको बताया, जब वहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा होता है तो फिर स्लो हो रहा होता है, या फिर प्रेशर के साथ होता है, तो फिर वो जाके हमारे हार्ट पे अटैक करता है. कोलेस्ट्रॉल जो है ब्लड में आ जाता है, नैरो ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देता है. ये ब्लॉकेज थ्रोम्बोसिस कहलाती है. और कोरोनरी आर्टरीज जो है वो ब्लॉक हो जाए तो हार्ट जो है वो उसको थोड़ा सा खाना मिलेगा, थोड़ी सी ऑक्सीजन मिलेगी, और फिर सीवियर पेन हो जाता है चेस्ट में और कहलाता है एंजाइना. एंजाइना आपने सुना होगा हार्ट अटैक की टाइप है. और इस तरीके से हार्ट अटैक होता है तो हार्ट स्टॉप बीटिंग, फिर दिल जो है वो धड़कना छोड़ देता है, स्टॉप कर देता है. मगर फिर जब राइट ट्रीटमेंट मिले तो हार्ट जो है वो ठीक हो जाता है. बट किसी किसी केसेस में फिर वो जब स्टॉप होता है तो वो दोबारा नहीं चलता. और जब वो दोबारा स्टार्ट नहीं होता हार्ट पंप करना ब्लड को, तो इसका मतलब है कि उस बंदे की डेथ हो चुकी है, वो बंदा पे नहीं रुकेगा. इसीलिए कहा जाता है हेल्दी फूड्स खाएं ताकि आपको हार्ट डिजीजेस ना हो. ये हमारे चैप्टर का एक पोर्शन मैंने डिस्कस किया. रीड विथ मी. द हार्ट इज अ मसल एंड नीड ऑक्सीजन जस्ट लाइक एनी अदर मसल. हार्ट एक मसल्स है और इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जैसे दूसरे मसल्स को होती है. इट नीड्स इट्स ओन सप्लाई ऑफ ब्लड. इसे अपने ही ब्लड की सप्लाई की ज़रूरत होती है. इट रिसीव इट्स ब्लड सप्लाई थ्रू आर्टरीज इन द वॉल ऑफ हार्ट कॉल्ड कोरोनरी आर्टरीज. ये ब्लड सप्लाई जो करता है बॉडी को, उसको वापस रिसीव भी करता है. ये सब आपको पता है कि जब हार्ट में से ब्लड निकलता होता है तो वो तमाम पार्ट्स ऑफ बॉडी में सप्लाई होता है और वापस बैक आता है, दोबारा आता है हार्ट में ऑक्सीजनेटेड होने के लिए. तो ये कोरोनरी आर्टरीज कहलाती हैं, इनके जरिए रिवर्स होता है ये. विथ टाइम फैट डिपॉजिट माइट बिल्ड अप इन दीज एंड कॉज ब्लॉकेज. आपको लास्ट टाइम बताया था कि फैटी फूड खाने से हमारे हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं, खून की नालियाँ होती हैं, वो ब्लॉक हो सकती हैं जब उस पर फैट जमा हो जाए, चिकनाई जमा हो जाए. इफ अ कोरोनरी आर्टरी बिकम ब्लॉक, अगर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो सर्जन जो है वो बाईपास करते हैं. बाईपास आपने अक्सर सुना होगा कि इसका, इन शख्स का बाईपास होने जा रहा हो सकता है अपने रिलेटिव में, अपने फ्रेंड्स में. तो बाईपास क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी को उसको पीस ऑफ वेन लेकर उसको रिप्लेस किया जाता है. पांव की एक वेन ली जाती है और वो वेन जो है वो हार्ट में लगाई जाती है अगर आपकी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है उसकी रिप्लेसमेंट में. दिस इज कॉल्ड बाईपास. और जो पीस ट्रांसफर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ग्राफ्ट. The valves in the heart can wear out or fail due to disease. They can be replaced with plastic valves. अब दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है? ये तो ब्लॉकेज की प्रॉब्लम थी कोरोनरी आर्टरी में, उसे चेंज कर दिया गया, उसे बाईपास कहा गया.
दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि वॉल्व जो होते हैं आपके हार्ट में वो ख़राब हो जाते हैं या किसी बीमारी की वजह से फेल हो जाते हैं, तो वॉल्व भी चेंज होते हैं हार्ट के। उस कैसे चेंज होते हैं? प्लास्टिक वॉल्व से, जो आर्टिफिशियल वॉल्व होते हैं उनसे रिप्लेस किए जाते हैं। तो उसके लिए भी सर्जरी की ज़रूरत होती है, मीन्स के हार्ट को ओपन करना और फिर उसमें वॉल्व लगाना, तो वो भी हार्ट सर्जरी है। Several things can affect the rate at which the heart beats. An artificial pacemaker is placed under the skin of the patient to control the heartbeat. बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी में ऐसे होती हैं जो अफेक्ट करती हैं हार्ट बीट को, दिल की धड़कन को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देती हैं या फिर दिल की धड़कन को भी हार्ट बीट को कम कर देती हैं। तो एक आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट आता है, आर्टिफिशियल मीन्स ह्यूमन मेड जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, पेसमेकर, वो आपकी स्किन के नीचे लगाया जाता है ताकि उसकी कंट्रोल कर सके, जिसको बहुत से लोग आम जो है वो ज़ुबान में कहते हैं कि दिल की मशीन लगी हुई है अंदर, तो वो डेट इज़ पेस मेकर। फॉर सम हार्ट पेशेंट देयर इज़ ओनली वन होप ऑफ सर्वाइवल, रिसीविंग अ हेल्दी हार्ट फ्रॉम अनदर पर्सन, दिस इज़ कॉल्ड अ ट्रांसप्लांट। द ऑपरेशन टेक्स अप टू 5 आवर्स, मोर देन 50% ऑफ हार्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट गेन एन एक्स्ट्रा 5 ईयर ऑफ लाइफ। कुछ हार्ट के मरीज़ ऐसे होते हैं जिनके लिए ज़िंदगी जो है ज़िंदा रहने के लिए, ज़िंदगी के लिए सिर्फ एक उम्मीद है, और वो उम्मीद ये होती है कि उनको एक हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया जाए किसी सेहतमंद पर्सन का, हेल्दी हार्ट, तो वो कहलाता है ट्रांसप्लांट। ऐसा भी होता है जिन लोगों की डेथ हो जाती है तो वो इससे पहले कह के जाते हैं कि हमारी जो बॉडी के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो आप डोनेट कर सकते हैं आफ्टर हमारी डेथ, तो वो जो है उसमें से हार्ट रिप्लेस हो जाता है। किसी की आंखें जो हैं वो सेहतमंद हालत में होती हैं तो वो अपनी आईज डोनेट करके जाता है कि हमारी आंखें जो है वो किसी ट्रस्ट को दे देना तो किसी के काम आ जाएंगी, हमारा हार्ट किसी को दे देना। तो किसी जब हेल्दी हार्ट होता है वो फिर ट्रांसप्लांट हो जाता है, और दिल चेंज करना ट्रांसप्लांट कहलाता है। किसी भी बॉडी पार्ट को, जैसे लीवर का ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होती है, इसी तरह हार्ट भी ट्रांसप्लांट होता है। ये ऑपरेशन 5 आवर्स तक लास्ट करता है मिनिमम, उससे ज़्यादा भी हो सकता है पेशेंट की कंडीशन पे होता है। और तकरीबन 50% हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद जो शख्स है उसको ज़िंदा रहने के लिए एक्स्ट्रा 5 ईयर्स मिल जाते हैं, मीन्स कि ये सक्सेसफुल रहता है ये ऑपरेशन। हाउ हार्ट डिजीजेस कैन बी अवॉइडेड, किस तरह हम बच सकते हैं हार्ट डिजीज से, दिल की बीमारियों से? बाय अवॉइडिंग फूड सच एज रेड मीट, बटर, एग्स, फैट एंड फ्राइड फूड विच हैव हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेंट, जिसमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो, फ्राई फूड में, अंडों में बहुत कोलेस्ट्रॉल होता है, बटर आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करें, रेड मीट, फैट, फ्राइड फूड, हाई कोलेस्ट्रॉल जिसमें होता है, ये सब आप कंटेंट, इन चीज़ों को कम करेंगे तो आपकी ब्लॉकेज भी नहीं होगी आर्टरीज में। बाय ईटिंग मोर पोल्ट्री, फिश, फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट। पोल्ट्री क्यों कहा गया है? पोल्ट्री में मीन्स जो चिकन में है इतना ज़्यादा फैट नहीं होता, इसी वजह से कहा जाता है आप वाइट मीट खाएँ। वाइट मीट और किसका होता है? फिश का होता है। फिश खाने को कहा गया, ज़्यादा खाएँ आप फिश तो आप हार्ट की डिजीज से बचेंगे। फिश में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ओमेगा 3। ओमेगा 3 जो होता है वो हमारे हार्ट को डिजीज से बचाता है, जो कि फिश में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फ्रेश वेजिटेबल्स, ताज़ा सब्जियां और ताज़ा फल। बाय सेइंग नो टू स्मोकिंग, अगर आप नो कह देते हैं स्मोकिंग को, बिल्कुल भी आप सिगरेट नोशी नहीं करते, स्मोकिंग नहीं करते, तो जब भी आप दिल की बीमारियों से बच सकते हैं। बाय एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, और एक्सरसाइज करें आप रेगुलर, जब भी आप जो है फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और इन हार्ट डिजीज से दूर रहेंगे। नाउ कम टू द अनदर पॉइंट, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये क्या था? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम एक्चुअली ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसमें हमारी पूरी बॉडी में ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, तो इसे ट्रांसपोर्ट ही कहेंगे। ट्रांसपोर्ट मीन्स एक चीज़ का इधर से उधर ट्रांसफ़र होना,
मूवमेंट होनी, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही था। और अब इसे हम प्लांट में डिस्कस करते हैं कि प्लांट में कैसे डिस्कस होगा। द रूट ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉयल। जो पौधों की जड़ें हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं पानी और मादनियात। कहाँ से एब्जॉर्ब करती हैं? सॉइल से। दीज सब्सटेंसेस आर देन ट्रांसपोर्टेड टू द स्टेम एंड टू लीव्स वेयर दे आर यूज्ड इन मैनी प्रोसेस। फिर ये सब्सटेंस, कौन से सब्सटेंस? जो ज़मीन से लिए, क्या लिए? पानी और मिनरल्स। ये कहाँ सप्लाई होते हैं? स्टेम में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। स्टेम में ट्रांसपोर्ट होने के बाद फिर ये लीव्स को ट्रांसपोर्ट होते हैं और जहाँ पर ये यूज़ होते हैं फूड वगैरह बनाने के लिए। वाटर इज़ कम्बाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म शुगर बाय फोटोसिंथेसिस। वाटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाता है, शुगर बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। किस प्रोसेस के ज़रिए? फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। दीज एंड प्रोडक्ट्स आर देन ट्रांसपोर्ट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर दे मे बी स्टोर और यूज इन द ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यूज। ये जो चीज़ें यूज अब हो रही हैं, सॉइल से ट्रांसपोर्ट होके स्टेम में आ रही हैं और स्टेम से लीफ में जा रही हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। तो ये सब किस में काम आएंगी? ये फोटोसिंथेसिस में आएंगी और उसके बाद ये प्लांट की ग्रोथ में काम आती हैं या फिर स्टोर हो जाती हैं एज अ एनर्जी प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में। नाउ टर्न द पेज प्लीज, कम टू द पेज नंबर 22। वैस्कुलर सिस्टम ऑफ प्लांट। वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है देखते हैं। सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्लांट टू अनदर थ्रू अ सिस्टम ऑफ नैरो ट्यूब्स नोन एज वैस्कुलर टिश्यूज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फाइलम। सब्सटेंस मूव कर रहे होते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में प्लांट के। ये तो मैंने आपको बताया, ट्रांसपोर्ट हो रहा है मटेरियल, रूट से निकल के चीज़ें रूट से एब्जॉर्ब होके प्लांट दे रहा है, अपने लीव्स तक को सप्लाई कर रहा है। हाउ, कैसे कर रहा है? उनके पास एक प्रॉपर सिस्टम है नैरो ट्यूब्स का। जैसे आपके जिस्म में मैंने आपको पढ़ाया कि खून की नालियाँ होती हैं जिनको हम वेन्स भी कहते हैं, कुछ आर्टरीज होती हैं और कैपिलरीज होती हैं। इसी तरीके से जैसे आर्टरीज आपका ब्लड लेकर जाती हैं, वेन्स आपका ब्लड लेकर आती हैं और कैपिलरीज जो है वो बॉडी के दूर दूर तक हर पार्ट में पहुंचती हैं बारीक खून की नालियाँ। तो इसी तरीके से प्लांट में एक सिस्टम है जिसको वैस्कुलर टिश्यूज़ का सिस्टम कहते हैं और ये बारीक बारीक नैरो ट्यूब्स होती हैं। ये पानी भी लाती ले जाती हैं, मिनरल्स भी लाती ले जाती हैं। इनको क्या कहते हैं? जाइलम और फाइलम। और इसे कहा जाता है ये वैस्कुलर टिश्यूज हैं। जाइलम इज अ टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ ट्यूब कॉल्ड जाइलम वेसल। जाइलम जो जिस टिश्यू से बना हुआ होता है और जो ट्यूब्स बना रहा होता है उसे कहते हैं जाइलम वेसल्स। इन टॉल ट्रीज जाइलम वेसल्स मे बी ओवर 30 meters लॉन्ग। जाइलम वेसल्स फॉर्म अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम थ्रू विच वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स मूव फ्रॉम द रूट्स थ्रू द स्टेम एंड इनटू द लीव्स। जाइलम फॉर्म द हार्ड वुड स्केलेटन ऑफ प्लांट। जाइलम जो है वो प्लांट में सप्लाई कर रहा होता है ब्लड को। जाइलम जो है प्लांट में वाटर सप्लाई कर रहा होता है रूट से स्टेम तक, लीव्स तक। तो किस तरह सप्लाई करता है? अपनी वेसल्स के ज़रिए, अपनी ट्यूब के ज़रिए। और वो जो है बिग प्लांट्स में, बड़े बड़े लंबे प्लांट जो ट्रीज होते हैं उसमें ये 30 meters तक लंबे हो सकते हैं, क्योंकि वो ट्री इतना लंबा होता है, इतना बड़ा होता है। तो वो 30 meters तक इतनी लंबी ट्यूब होती हैं जो कि प्लांट सॉइल से वाटर मिनरल्स लेकर स्टेम और लीव्स तक पहुँचाती हैं। फाइलम वो टिश्यू है जो कि लॉन्ग सेल से बना हुआ होता है। द क्रॉस बिटवीन द सेल्स आर परफोरेटेड लाइक अ सीव एंड सो फाइलम ट्यूब्स आर आल्सो कॉल्ड सीव ट्यूब। फाइलम जो है उनके सेल्स जो होते हैं वो सीव की तरह होते हैं, छलनी की तरह होते हैं, जो कि सीव ट्यूब भी कहलाता है। ये सीव ट्यूब क्यों कहलाता है? सीव मीन्स होती है छलनी। जैसे आप किसी चीज़ को छानते हैं, आपके घर में जो टी सीव होती है यानी हम चाय की छलनी जिसे कहते हैं, इसी तरीके से फाइलम जो सेल से बना हुआ होता है वो सीव की तरह होता है।
और सीफ ट्यूब्स फ्रॉम अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम थ्रू विच फूड मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस मूव फ्रॉम द लीव्स टू द स्टोरेज एरिया सच एज रूट फ्रूट सीड एंड टू द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ अ प्लांट। अब क्या करता है फाइलम, जो फूड बन गया, जाइलम ने तो जमीन से चीजें ली और ट्रांसपोर्ट कर दी स्टेम को और लीव्स को, फिर लीव्स ने फोटोसिंथेसिस किया, अपना खाना बनाया, अपना फूड बनाया, रिएक्शन हुआ। अब जो फूड बन गया लीव्स में, ग्लूकोज बन गया, उसको सप्लाई करना है वापस बॉडी में, तो वो कौन करता है, फाइलम करता है। पौधों को खाना लेकर कौन जा रहा है ज़मीन से, जाइलम, और जब वो फूड प्रिपेयर हो गया तो वापस सप्लाई कौन कर रहा है, फाइलम कर रहा है। फाइलम का काम है कि जो भी फूड प्रिपेयर्ड हो गया है वो लेकर तमाम एरियाज में जाए, रूट में जाए, फ्रूट में जाए, सीड्स में जाए, तमाम ग्रोइंग पॉइंट्स में जाए ताकि प्लांट ग्रो हो सके। समझ में आ गई बात, जाइलम जो है वो फूड लेकर जा रहा होता है ज़मीन से और फाइलम प्रिपेयर होने के बाद पहुंचा रहा होता है तमाम पार्ट्स में प्लांट के। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स, पानी कैसे एब्जॉर्ब होता है रूट्स में, द एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉइल वाटर इज डन बाय द रूट हेयर, रूट हेयर्स के जरिए होता है। रूट में जो बारीक बारीक छोटे छोटे बाल होते हैं हम उसे क्या कहते हैं, रूट हेयर्स, विच अकर इन अ स्मॉल जोन अ शॉर्ट डिस्टेंस बिहाइंड द रूट टिप, रूट टिप के पास एक शॉर्ट डिस्टेंस के पास जो है वो रूट हेयर्स होते हैं। रूट हेयर ओनली अ पार्ट ऑफ सेल, रूट हेयर सेल्स का पार्ट है। हाउएवर द वास्ट नंबर ऑफ रूट हेयर्स ब्रिंग अबाउट अ वेरी लार्ज इंक्रीज इन द एब्जॉर्बिंग एरियाज ऑफ द रूट, जितने ज़्यादा रूट हेयर्स होंगे उतनी ज़्यादा एब्जॉर्बिंग होंगी, क्योंकि रूट हेयर्स का क्या काम है, वाटर को एब्जॉर्ब करना सॉइल से। वाटर विच इज एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर, वो पानी जो एब्जॉर्ब हो जाता है रूट हेयर से, पासिस फ्रॉम सेल टू सेल अंटिल इट रीचेज द जाइलम वेसल इन द सेंटर ऑफ द रूट। जाइलम वेसल जो आती है, मैंने आपको बताया था, वो पानी लेकर जाती है प्लांट के पार्ट्स तक, स्टेम तक, तो जाइलम वेसल रूट के सेंटर में होती है। अब जो है रूट हेयर पानी एब्जॉर्ब करके सेल टू सेल उसको ट्रांसफ़र करते रहते हैं यहाँ तक कि वो जाइलम वेसल पे ना पहुँच जाए। इन प्लांट वाटर इज मेनली ट्रांसपोर्टेड थ्रू द रूट विच आर अरेंज टू फॉर्म लॉन्ग कॉलम विच आर कंटिन्यूस फ्रॉम द रूट टू टॉप ऑफ द प्लांट। ये आपको लास्ट पैराग्राफ में समझा चुकी हूँ कि फिर जाइलम वेसल्स पूरी प्लांट बॉडी में वाटर को सप्लाई करते हैं। फ्लो ऑफ वाटर थ्रू प्लांट, वाटर फ्लोज इन अ कंटिन्यूस स्ट्रीम थ्रू अ प्लांट, कंटिन्यूसली फ्लोज होता है प्लांट में, इट एंटर्स थ्रू द रूट, रूट के जरिए दाखिल होता है और जाइलम वेसल में से होता हुआ रूट और स्टेम और लीव्स तक पहुंचता है। इट डिफ्यूजेस आउट ऑफ स्टोमेटा, अगर ज़्यादा वाटर होता है तो स्टोमेटा से बाहर आ जाता है। स्टोमेटा आर मेनली फाउंड ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ, स्टोमेटा क्या होते हैं, बारीक बारीक सुराख होते हैं लीव्स के बैक साइड पे, लोअर साइड पे, और फिर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो डिफ्यूज होके बाहर आ जाता है स्टोमेटा से। एवोपरेशन ऑफ वाटर, पानी का निकलना लीव से इज द मेन फोर्स विच मूव वाटर थ्रू अ प्लांट, वो मेन उस फोर्स के जरिए मेन फोर्स होती है जिससे पानी बाहर आ जाता है, मूव वाटर थ्रू अ प्लांट। दिस एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव इज कॉल्ड ट्रांसपरेशन, और जो वाटर निकल रहा है, एवोपरेशन हो रही है वाटर का निकलना स्टोमेटा से प्लांट के, कहलाता है ट्रांसपरेशन। In the next video, we will discuss the factor on which the rate of transpiration depends. Transpiration किन किन चीज़ों पर depend करती है, next video में हम discuss करेंगे। Till then, take a very good care of yourself. Allah Hafiz.